प्रिय छात्र छात्राओं, आज से आपका एक और सब्जेक्ट शुरू किया जा रहा है मनोज पांडे सर द्वारा, और वह सब्जेक्ट है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, यानी कि हिंदी में इसे कहा जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, यानी कि द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। देखिए, आपका जब भी कोई आप कानून पढ़िए तो सर्वप्रथम ये देखा जाता है कि ये जो द इंडियन एविडेंस एक्ट 1862, तो हम पहले सन पर आते हैं, यानी कि आपको लास्ट में ये दिखाई दे रहा है कि यह कानून 1872 में बना था। अब यहीं से आपका जो पहला आपका भी उठाना है वह ये उठाना है कि आपका 1872 ईस्वी में भारत में किसका शासन था। तो अगर हम 1872 ईस्वी या 1872 में देखें तो अंग्रेजों का शासन काल था, यानी कि शुद्ध रूप से जो कानून हम पढ़ने जा रहे हैं यह कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, इसमें कोई शक नहीं है, यानी कि किसके द्वारा बनाया गया, अंग्रेजों द्वारा। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि आखिर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को हम क्यों पढ़ें, या वर्तमान चल रहा ना हो, या वर्तमान समय में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून भारत में क्यों लागू हैं या क्यों पढ़ा जाए। इसके लिए जो जिम्मेदार आर्टिकल हैं या इसके लिए जो जिम्मेदार हमारा अनुच्छेद हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस हैं आपका, वह है आर्टिकल 372। देखिए, पहले एरिया कवर कर लिया जाए, भूमिका में आपको कौन कौन पढ़ना है। सबसे पहले 372 हमें देखना है, फिर आपका 395 अनुच्छेद देखना है, यानी कि सबसे सर्वप्रथम आपका दो आर्टिकल देखने हैं कौन कौन, तो आपका 372 और 395। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को भारत में प्रवृत्त रहने, इन्फोर्स रहने या बने रहने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है, संवैधानिक आधार है, वह हमारा अनुच्छेद संविधान का आर्टिकल 372 है। तो आखिर 372 कहता, अब आखिर 372 कहता क्या है। 372 ये बताता है कि जो कानून जोला 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व भारत में लागू थे, जब तक कि उसे इस संविधान सभा द्वारा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, जब तक रिपील या निरसित या समाप्त न कर दिया जाए, तब तक वे भारत में इन्फोर्स रहेंगे, बने रहेंगे। अर्थात अगर कोई भी कानून हो, ध्यान में रखिएगा, भारत में जितने कानून हैं जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, अर्थात 26 जनवरी 1950 के बने हैं,
अगर वे आज भी भारत में लागू हैं तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस आपका एक ही आर्टिकल है, कौन सा? संविधान का अनुच्छेद 372। आखिर 372 में जो बातें हमने बताई उसको थोड़ा डिटेल में देखा जाए। 372 ये बताता है कि जब तक कि हमारी संविधान सभा ने, यानी कि संविधान सभा ने, या जब तक कि सक्षम प्राधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किसी कानून को रिपील या निरसित न किया हो, सक्षम प्राधिकारी, इसको थोड़ा अच्छे से जानना है, क्वेश्चन भी आपको हम बताएंगे लगातार। अब समस्या ये आई कि क्या हमारी संविधान सभा ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किसी कानून को रिपील किया कि नहीं। ये क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं ये पिछली बार बिहार जे में प्री में आया था, यानी कि आपका आज का प्री का पहला क्वेश्चन मिलता है और वह मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अर्थात संविधान में रिपील क्लाज कहाँ है, निरसन कहाँ है, तो आपका जवाब रहेगा अनुच्छेद 395। पहला देखिए, हमारी संविधान सभा सक्षम थी कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त कर दे, रिपील कर दे, तो क्या हमारी संविधान सभा ने ऐसा किया? निश्चित रूप से किया, और किस अनुच्छेद के तहत किया? तो आपका जवाब रहेगा हमारी संविधान सभा ने अनुच्छेद 395 के तहत दो कानूनों को रिपील किया, लेकिन एक कानून का सेविंग भी किया, सेविंग माने कि संरक्षण भी किया गया, अर्थात दो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए दो कानून निरसित किए गए, लेकिन एक कानून को प्रोटेक्ट भी हमारी संविधान सभा ने किया, तो वह कौन सा कानून था जिसे कि हमारी संविधान सभा ने ही रिपील कर दिया? तो पहला कानून था भारत शासन अधिनियम, पहला कानून था भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि आपका इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, और दूसरा कानून था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अतः ये कानून अब भारत में इनफोर्स नहीं है, लागू नहीं है, लेकिन शैक्षणिक दृष्टि से हम आज भी इन दोनों कानूनों को पढ़ते हैं, भले ही भारत में लागू न हो। फिर यहीं से आपका उठाना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही मुख्य रूप से भारत का शासन चलाया जाता था, और वह कब तक चलाया जाता था? तो आपका 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व तक। अब देखिए यही समस्या आपकी आती है, अनुच्छेद 395 में एक प्रिंसिपल भी है, उस सिद्धांत को समझना है। अनुच्छेद 395 में यह सिद्धांत है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ये जो प्रिंसिपल हैं ये किस अनुच्छेद में समाहित हैं? कुछ नए नए क्वेश्चन बनाइए, तो आपका जवाब रहेगा 395। अर्थात इसको दूसरी भाषा में हम देखते हैं कि एक ही देश में दो संविधान नहीं चल सकते। आपका स्वतंत्रता के पूर्व का भारत का संविधान ये 1935 वाला था, और हमने अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, तो इसके जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन
इन्फोर्स करेंगे, लागू करेंगे, तो जो पुराना संविधान भारत का था जिसे अंग्रेजों ने बना रखा था, अब उसको हर हाल में रिपील करना होगा, यानी कि निरसित करना होगा। और इसका निरसन किसने कर दिया? हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, संविधान बनाते हुए। यानी कि एक साथ दो संविधान भारत में नहीं रह सकते, तो एक को जाना होगा। वह कौन चला गया? 1935, तब हम अपना संविधान लागू किए। दूसरा जो रिपील किया गया है आपका, वह रिपील किया गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दो कानून हमारी संविधान सभा ने रिपील कर दिया। अतः ऐसी दशा में हम अब ये भारत में दोनों कानून इन्फोर्स नहीं रहेंगे। दूसरा आपका ये दे रहा है, लेकिन अनुच्छेद 395 केवल रिपील ही कानूनों को नहीं करता, एक कानूनों को प्रो एक कानून को आपका प्रोटेक्ट भी करता है, संरक्षित भी करता है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये बिहार जे में इसी बार पूछा गया था। देखिए, किसको प्रोटेक्ट करता है? द प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एबोलिशन एक्ट 1949। यानी कि प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उत्सादन अधिनियम 1949, इसके द्वारा निरसित नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कानून अंग्रेजों ने बनाया, प्रिवी काउंसिल उत्सादन अधिकारिता अधिनियम 1949, इस कानून को हमारी संविधान सभा ने रिपील नहीं किया। अर्थात बिहार में ये पूछा गया था कि भारत में वर्तमान समय में प्रिवी काउंसिल के निर्णयों को आपका भारत में लागू रहने, बने रहने, इन्फोर्स रहने का, प्रवृत्त रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है या संवैधानिक आधार क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आर्टिकल कौन सा? 395। देखिए, आपका एक नियम भी बना लेना है, जब भी किसी विषय पर नया कानून बनता है, अगर उस विषय पर कोई पुराना कानून है और न्यू लॉ बन गया, तो लास्ट वाली, लगभग लास्ट वाली धारा, हमेशा लास्ट वाली धारा के तहत पुराने कानून को रिपील किया जाता है और तब नया कानून लागू किया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण हम सीआरपीसी का बताते हैं। सीआरपीसी में 484 धाराएं हैं, 484 धाराएं हैं, और अंतिम सेक्शन जो 484 है वह हमारी पुरानी सीआरपीसी 1898 को रिपील करता है, क्योंकि एक ही समय में दो सीआरपीसी नहीं चलेगी। तो यानी कि लास्ट सेक्शन या आर्टिकल द्वारा पुराने कानूनों को निषिद्ध किया जाता है, ये नियम दिमाग में बैठा लेना है। और एक क्वेश्चन आपका बिहार का आया था, तैयार भी हो गया, कि प्रिवी काउंसिल का जो मामला था। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे जनरल वे में कि एविडेंस पढ़ने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, तो आप बताइएगा आर्टिकल 372। एक और बात हम देखेंगे, दूसरी बात ये कही गई है कि अगर सक्षम प्राधिकारी, यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ये आईएएस में भी जीएस में आ चुका है क्वेश्चन, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किसी कानून को रिपील भी कर सकती है? तो आपका चार प्राधिकारी याद रखना है। एक हमारी पार्लियामेंट है, यानी कि भारत की कौन, संसद, ये भी कर सकती है।
दूसरा आपका भारत का राष्ट्रपति भी है, और यही क्वेश्चन IS-3 में बना था, भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत आर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करके किसी कानून को बना सकता है या रिपील कर सकता है, एमेंड कर सकता है, सब कुछ करने का पावर है। तो क्या भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत रिपील कर सकता है कि नहीं कानून को? कर सकता है। इसके बाद राज्य स्तर पर हम जाएंगे तो राज्य विधानमंडल आ गया। राज्य विधानमंडल ऐसा कर सकता है, और राज्य का राज्यपाल यानी कि ये सक्षम प्राधिकारी हैं जो किसी कानून को क्या कर सकते हैं, रिपील। अब अगला पॉइंट ये आया कि क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिपील किया है कि नहीं, या निरस्त किया है कि नहीं? नहीं किया है। अतः नहीं किया है तो यह कानून भारत में प्रवृत्त रहेगा, लागू रहेगा, और इसे हम वर्तमान में क्या करेंगे, पढ़ भी रहे हैं, और ये कानून भारत में क्या है, लागू। अब दो तीन एंगल आपको देखना है। देखिए, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है इसको हम कहते हैं संविधान पूर्व विधि, संविधान पूर्व विधि, यानी कि ऐसा कानून जो 26 जनवरी 1950 के पूर्व बना हो, और 26 जनवरी 1950 के पूर्व बना हो, चूंकि भारतीय साक्षर नियम 1872 में बना था, अतः ऐसी दशा में इसे हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ला कहेंगे, संविधान पूर्व विधि, जो किस तारीख को बनी थी, 26 जनवरी 1950 के पहले। यहाँ आपको दो तीन लाइन ऐड करना है, देखिए कौन कौन। एक, हमारे संविधान का अनुच्छेद 13 का सब आर्टिकल उप अनुच्छेद 1। दूसरा, हमारे संविधान के अनुच्छेद 13(3)(b) को कवर करना है, और तीसरा हमें करना है आर्टिकल 366 का क्लाज 10। अच्छे से इसको देखिए, फिर हम बता रहे हैं, अभी भूमिका ही चल रही है भाई एविडेंस एक्ट का। देखिए आपका फिर एक बार, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, आइए संविधान के अनुच्छेद 31 पर गौर किया जाए, क्या कहता है 13 का क्लाज 1। संविधान पूर्व विधियां उस मात्रा तक वायड होंगी, उस लिमिट तक शून्य होंगी या वायड होंगी या बातिल होंगी, जिस मात्रा तक, जिस लिमिट तक वह हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है। ये क्वेश्चन IAS में आ चुका है पिछली बार, और ये पूछा था अवैध होगी कि वैध होगी कि शून्य होगी, यानी कि शब्द पर आपका गौर किया था। तो आप अवैध वैध न मारिए, बल्कि जो बेयर एक्ट में भाषा है उसी को वरीयता देना है, तो उस लिमिट तक क्या होगी, वैध। चूंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 संविधान पूर्व विधि है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, अतः आर्टिकल 13 के क्लाज 1 के अनुसार ये हुआ कि अगर एविडेंस एक्ट का कोई नियम या सेक्शन में दिया गया कोई प्रावधान हमारे मूल अधिकारों के अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट का मतलब असंगत है, विपरीत है, अर्थात हमारे मूल अधिकारों से 36 का आंकड़ा है, तो ऐसी दशा में आर्टिकल 13 का क्लाज 1 कहता है
कि हमारे मूल अधिकार प्रिवेल करेंगे, यानी कि फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेंगे, और एविडेंस का जो प्रावधान मूल अधिकारों से जिस मात्रा में असंगत हैं, इनकंसिस्ट हैं या विरोधी हैं, उस मात्रा तक वह क्या होगा, वायर्ड शून्य, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आपका बना है, वह कंसेप्ट पर आया जाए पहले। अगला क्वेश्चन इंटरव्यू में ये बना है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को क्या कहा जाता है, तो उसका नाम भी याद रखना है, क्योंकि प्री जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है या जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है उसे लॉ इन फोर्स कहा जाता है। याद रखिए, लॉ इन फोर्स यानी कि विद्यमान विधि। अब ये क्वेश्चन आपका बन चुका है इंटरव्यू में, सतर्क रहना है। पहला अगला क्वेश्चन इंटरव्यू में बना है कि हमारे संविधान में लॉ इन फोर्स को, विद्यमान विधि को कहाँ बताया गया है, तो मूल अधिकारों के लिए लॉ इन फोर्स क्या होगा, इसका वर्णन आर्टिकल 13 में किया गया है। आर्टिकल 13 के क्लाज 3 का कौन सा उपक्लाज, बी, और परिभाषा इसकी कहाँ दी गई है लॉ इन फोर्स की, आर्टिकल 366 के किस क्लाज में, 10 में। फिर एक बार हम बता दें, शुरुआती दौर है आपका, एक दो दिन दो दो बार बताया जाएगा, फिर आपका एक ही बार बताया जाएगा प्रावधान। फिर एक बार देखिए, मैं बता रहा हूँ आपका, ये संविधान पूर्व जितने भी कानून हैं उनको एक हमारा संविधान नाम देता है, ला इन फोर्स या विद्यमान विधि। अगर आपसे कुछ पूछे कि विद्यमान विधि क्या होती है, तो ऐसा ला या ऐसा कानून जो 26 जनवरी के पहले भारत में लागू था और 26 जनवरी के बाद भी भारत में लागू है, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हम क्या कहते हैं लीगल भाषा में, विद्यमान विधि या लॉ इन फोर्स। विद्यमान विधि कहाँ ये कहा जाएगा, इसे विद्यमान विधि कहाँ बताया गया है मूल अधिकारों के लिए, तो आपका जवाब रहेगा आर्टिकल 13 के का उपअनुच्छेद बी का खंड कौन सा, बी। लॉ इन फोर्स को परिभाषित कहाँ किया गया है, तो 366 के क्लाज 10 में। यानी कि अब तक जो आपको बताया गया वह आपका ये बताया गया कि एविडेंस पढ़ने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, तो एक अनुच्छेद कम से कम याद रखिएगा 372, और इसी के साथ कोरिलेट करके तमाम 3-4-5 क्वेश्चन भी निकाले गए। साक्ष्य अधिनियम पढ़ते समय कुछ सामान्य बातें रटना है, पहले सामान्य बातें ही बताई जाती हैं, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की हम शुरुआती दौर में कुछ सामान्य बातें बताएंगे, और प्रयास ये करिए कि ये सामान्य बातें आपका अच्छे से तैयार रखिए। पहला हम बताते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निर्माण की तिथि, यानी कि किस दिन यह कानून बनकर तैयार हो गया, निर्माण की तिथि ये हम बताएंगे। निर्माण की तिथि है आपका 15 मार्च 1872, यानी कि 15 मार्च 1872, आगे डिटेल में हम बताएंगे। इसके बाद एक्ट नंबर पूछा जाता है, अधिनियम संख्या पूछा जाता है, एक्ट नंबर है 1। इसके बाद आपका जो पूछा गया है बिहार जे में, पिछली बार पूछा गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कितने भाग में बांटा गया है, तो अगर पार्ट पूछे तो 3 मार्क कराइएगा। ये अगला क्वेश्चन जो बिहार में ही आया है आपको बताया जा रहा है,
ये पिछली बार बिहार जे में आया था कि आपका ये क्वेश्चन आया था कि भारतीय साक्ष्य नियम में कितने पार्ट हैं, 3। इसके बाद आपका चैप्टर पूछा जाता है, अध्याय पूछा जाता है। अगर चैप्टर पूछे तो कुल 11 चैप्टर मारेंगे। ये बिहार में आया था। और सेक्शन पूछे, धारा पूछे, कुल कितनी धाराएं हैं, तो 167, 167। यानी कि आपका 3 भाग, 11 अध्याय और कितनी धाराएं, 167। अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, इन्फोर्समेंट डेट, इसको भाई याद करना है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन बनता है प्रवर्तन तिथि या इन्फोर्समेंट डेट, या कई राज्यों में ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रारंभ की डेट, या लागू होने की डेट, या हम कह सकते हैं आरंभ की डेट। इस कानून का आरंभ कब हो गया, कब ये भारत में लागू हुआ, तो 1 सितंबर 1872। ये भी रट्टा मार कर जाना है। यहाँ एक कोरिलेशन भी आपको देखना है। और ये पूछा जाता है कि 1 सितंबर 1872 यानी कि 1 सितंबर 1872 को क्या और कोई कानून लागू हुआ था, तो निश्चित तौर पे हुआ था। और वह जो कानून था इस तारीख को और इसी सन में लागू हुआ, वह है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यानी कि कौन सा कानून लागू हुआ इसी तारीख को, भारतीय भारतीय संविदा अधिनियम, संविदा अधिनियम 1872। क्वेश्चन ये बनता है आपका कि किन दो कानूनों में एक समानता पाई जाती है, तो नियमों में नहीं, किन दो कानूनों में एक समानता पाई जाती है, तो आप नियमों में न कहिएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और एविडेंस में एक इक्वलिटी है, समानता है। क्या समानता है, कि ये दोनों कानून एक ही तारीख को भारत में इन्फोर्स हुए, लागू हुए, प्रारंभ हुए। ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखा जाए, जब प्रवर्तन तिथि आ गई, तो अब जो आपको देखना है कुछ अभी सामान्य बातें ही चलना है। इसके बाद आपका जो उत्तराखंड का मॉडल है, जो उत्तराखंड ने क्वेश्चन बना रखा है आपका, वह देखा जाए, और बिहार ने भी बनाया है, यूपी ने भी। सबसे बिगेस्ट चैप्टर कौन है, यानी कि सबसे बड़ा अध्याय पूछा गया था, सबसे बड़ा अध्याय यानी कि एविडेंस का सबसे बड़ा अध्याय कौन है, अगर ये क्वेश्चन आपका आए तो आपका जवाब रहेगा अध्याय 2। यानी कि एविडेंस का अध्याय 2 सबसे बड़ा अध्याय है, जिसमें कि सेक्शन 5 से लेकर 55 तक प्रावधान है। कहाँ से कहाँ तक प्रावधान है, 5 से लेकर 55 तक, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तथ्यों की सुसंगत के विषय में, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में, तथ्यों की सुसंगत के बारे में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। उत्तराखंड का मॉडल देखिए, उत्तराखंड ने पूछा कि सबसे छोटा अध्याय कौन है, स्मॉलेस्ट चैप्टर कौन है, तो आपका जवाब रहेगा कौन सा अध्याय, 11। कितनी धाराएं हैं, केवल एक सेक्शन है, कौन सा, 167, याद रखिएगा कौन सा सेक्शन है। ये भी क्वेश्चन उत्तराखंड बना चुका है। इसके बाद आपका जो सामान्य बातों में देखना रहता है, वह देखा जाए।
यूपी एपीओ ने जो सामान्य बातों में पिछली बार ही क्वेश्चन बनाया था, वह क्वेश्चन आपका ये बना था, फर्स्ट अमेंडमेंट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रथम संशोधन कब हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट। तो पहले इसको हम देख लें, तब आपका देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रथम बार संशोधन 1938 में हुआ। रट कर जाइए, अभी यूपी एपीओ में अभी इसी बार पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, प्रथम संशोधन 1938 में होता है। फिर आपका पूछा जाता है कि संशोधन द्वारा क्या किया गया, तो जो एविडेंस का धारा 2 था और अनुसूची थी, अनुसूची को रिपील कर दिया गया यानी कि धारा 2 तथा अनुसूची को निरसित कर दिया गया, समाप्त किया गया। तो देखिए क्वेश्चन का मॉडल, 2-3 मॉडल सतर्क रहना है, फिर मैं इसको घुमा रहा हूँ क्वेश्चन को, और प्रयास करिए पकड़ने का। पहला मॉडल ये बनता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट की कौन सी धारा रिपील है, कौन सी धारा निरसित है, तो क्या मार्कर आएंगे, 2। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में फर्स्ट बार संशोधन कब हुआ, अमेंडमेंट कब हुआ, तो 1938। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि धारा 2 को, सेक्शन 2 को आपका किस सन में रिपील किया गया, तो किस सन में किया गया, 1938। क्या सेक्शन 2 और इसके साथ क्या रिपील किया गया, शेड्यूल। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हमें कोरिलेशन भी चलना है। फिर एक बार बता दिया जाए, मनोज पांडे सर आपका कंपरेटिव स्टडी में विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन में बिलीव करते हैं, ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर हो। तो ऐसी दशा में आपका फर्स्ट अमेंडमेंट जहाँ जहाँ जिन कानूनों में हुआ है, आपका कर्तव्य है कि खोज कर एक जगह एकत्र कर लें, क्योंकि आपका यूपीजे में भी पिछली बार ही आ चुका है, आईपीसी पूछा गया था कि आईपीसी में सर्वप्रथम अमेंडमेंट कब हुआ। तो अगर यही क्वेश्चन आपका आईपीसी में आ जाए, तो आप क्या मारेंगे, 1870, कौन सा, 1870। यही क्वेश्चन अगर आपका सीआरपीसी में आ जाए, तो 1978 मारना है। यही क्वेश्चन अगर कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में आ जाए कि संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, तो आपको मारना होगा 1951। और यही क्वेश्चन आपका कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, चांस है संविधान नियम में आने का, क्योंकि यही सब फालतू क्वेश्चन आजकल आयोग बना भी रहे, तो 1899। अगर ये क्वेश्चन बने कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सर्वप्रथम कब अमेंडमेंट हुआ या संशोधन हुआ, 1899 मारना है, क्या संशोधित किया गया, तो धारा 19A जोड़ी गई यानी कि 19A जोड़ी गई। अब आया जाए आपका अगले सामान्य नियम पर, क्योंकि सामान्य बातें शुरुआती दौर में ही बता देना चाहिए। अगला जो सामान्य बातें हम कवर करने जा रहे हैं, आपका कह सकते हैं इलीगल सेक्शन या अवैध सेक्शन या असंवैधानिक भी हम कहते हैं, या अवैध इलीगल। अगर ये क्वेश्चन अभी बना नहीं है
केवल यूपीजे और यूपीएपीओ के इंटरव्यू में ही बना है। तो इस क्वेश्चन को आगे कंपटीशन के लिए अच्छे से तैयार रखना है। अगर ये पूछे कि इंडियन एविडेंस एक्ट की कौन सी धारा इलीगल है, आपका अवैध है, तो आपका जवाब रहेगा 113, 113। जो इंटरव्यू में क्वेश्चन यहाँ से बना है उसको भी हमें प्री मेंस और इंटरव्यू फिर बता दिया जाए। ये जो क्लास आपका चलाया जा रहा है ये प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए चलाया जा रहा है। आपका एक एक छोटी छोटी बातें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी ताकि जिनका एमपी एडीपीओ है, बिहार एपीओ का एग्ज़ाम है, मेंस का, यूपी एपीओ और जे देना है जिनको, सबके लिए सीबीआई एपीओ देना है, सबके लिए लाभदायक रहे। देखिए आगे, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन इंटरव्यू में ये बना है कि एविडेंस का कौन सा वह सेक्शन है जिसका वर्तमान समय में एविडेंस में कोई महत्व नहीं है, यानी कि साक्ष्य में कोई महत्व इम्पॉर्टेंस नहीं है। तो अगर ये पूछे कि कौन सी धारा है जिसका एविडेंस में कोई महत्व वर्तमान समय में नहीं है, यही ज़्यादा लोग बता नहीं पाए, तो आपका जवाब रहेगा कौन सा सेक्शन, 113। क्यों नहीं महत्व है? क्योंकि इस सेक्शन को क्या घोषित कर दिया गया है, इलीगल या अवैध। अब अवैध किसने घोषित किया, कब घोषित किया, किस केस में घोषित किया, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है और आपका बन सकता है। देखिए 1876 ईस्वी में प्रीवी काउंसिल पीसी ने, याद रखिएगा, 1876 ईस्वी में प्रीवी काउंसिल ने दामोदर गोवर्धन वर्सेज देवराम कांजी, याद रखिएगा, दामोदर गोवर्धन वर्सेज देव राम कांजी, ये भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। फिर एक बार केस बता दें, 1876 ईस्वी में ही इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल या पीसी ने दामोदर गोवर्धन वर्सेज देवराम कांजी के वाद में सेक्शन 113 को आपका इलीगल या अवैध घोषित कर दिया है। अतः इस धारा का वर्तमान में साक्ष्य में कोई महत्व नहीं है। इसी को कोरिलेट करके हम देखेंगे और कोरिलेट करके हम दो एंगल से इसको देखेंगे, एक आईपीसी देखेंगे और दूसरा आपका दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। कम से कम दो जगह से कोरिलेट करके जरूर पढ़िएगा। देखिए इसको कैसे कोरिलेट आप करेंगे और पढ़ेंगे। अभी आपका बिहार एपीओ में भी ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आया था, यानी कि जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन बिहार एपीओ में भी आया था। क्वेश्चन ये बना था कि भारत में जुडिशियल रिव्यू, इंडिया में जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसको प्राप्त है, या जुडिशियल रिव्यू कौन कर सकता है, तो इसके लिए हम कुछ अनुच्छेद बता रहे हैं और ध्यान से इसको देखना है। अनुच्छेद 13 से उठाइएगा और इसी के साथ 32 और 226, तब हम और आईपीसी को रिलेट करेंगे। देखिए अनुच्छेद 13
यानी कि अनुच्छेद जो 13 है वह न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू का शक्ति देता है, यानी कि यहाँ से उसे उत्पन्न होती है शक्ति। और जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग उच्चतम न्यायालय 32 के तहत करता है, जबकि हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय 226 के तहत। यानी कि जुडिशियल रिव्यू भारत में केवल 2 न्यायालयों को अधिकार प्राप्त हैं, कौन कौन? एक हमारा सुप्रीम कोर्ट और दूसरा कौन सा? हाई कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू पर भी आईएएस में और पीसीएस में भी क्वेश्चन लगातार बनते हैं, वो तो आगे बताया जाएगा आपको। लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू पर आपका क्वेश्चन बना है वह हम देखें। जुडिशियल रिव्यू पर जो क्वेश्चन ये बना है कि पहले जुडिशियल रिव्यू को बता दें, यानी कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, तो आपका जवाब रहेगा न्यायालयों की वह शक्ति जिसके द्वारा वह किसी अथॉरिटी द्वारा बनाए गए लॉ को नल एंड वॉइड घोषित करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, यानी कि अकृत और शून्य घोषित करते हैं, यानी कि अवैध घोषित करते हैं। और ये शक्ति हमारे उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्टों में समाहित हैं। उच्चतम न्यायालय में किस आर्टिकल के तहत? 32, और हाई कोर्ट में 226। अब चूंकि हम अवैध धारा देख रहे थे तो एविडेंस में हमने इन लीगल सेक्शन बताया 113, तो इसको कोरिलेट करना है आईपीसी से। क्या हमारे उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की भी कुछ धाराओं को अवैध या अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वायर्ड घोषित किया है? तो इसके लिए 3 केस आईपीसी के और 3 धाराएं आपको कवर करनी पड़ेंगी। और ये जो तीनों केस हैं ये आपका बिहार में भी पूछा गया था, झारखंड में भी, यूपीजे में भी दो क्वेश्चन आए थे। 3 केस मैं बता रहा हूँ, 3 धाराएं रट कर जाइए आईपीसी की। 1303 पढ़िएगा, दूसरा आपका 497 पढ़िएगा, और तीसरा सेक्शन कौन सा? 373। देखिए आपका आईपीसी के सेक्शन 303 को हमारे भारत के उच्चतम न्यायालय ने 1983 में ही अवैध घोषित कर दिया, जबकि 497 आईपीसी सेक्शन को 2018 में घोषित किया गया। और इसको भी कब किया गया? 377 पूरी तरह अवैध नहीं है, इसका कुछ भाग ही क्या है? अवैध। यानी कि ये 2 सेक्शन पूरी तरह अवैध हैं और ये सेक्शन कुछ भाग अवैध हैं और कुछ भाग वैध। तीनों पर सन मैं बता दिया, केस जरूर याद रखिए, तीनों का मैं ला केस भी लिखवा दे रहा हूँ। केस देखिए, ये जो केस हैं आपका मिठू सिंह 303 पर केस हैं, मिठू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, यानी कि मिठू सिंह वर्सेज पंजाब राज्य का केस है। 497 वाला केस है आपका जोसेफ शाइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया मतलब भारत संघ। और ये आपका नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत संघ। फिर एक बार देखिए आपका ये 303 को किस केस में अवैध सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है, तो आपका मिठू सिंह याद रखिए, 497 सेक्शन को
आपका जोसेफ साइन का केस याद रखना है और 377 को आपका नवतेज सिंह जौहर वर्ष है यूनियन ऑफ इंडिया। ये डिटेल में आपका आईपीसी में पढ़ाएंगे हम तीनों, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से बनते हैं। भाई लास्ट में एक सूचना दे दिया जाए, आज जुरिस्प्रूडेंस की क्लास कुछ अपरिहार्य कारणों से नहीं चलेगी, कुछ व्यक्तिगत कार्य होने के कारण विधि शास्त्र की जो क्लास 12 बजे से 1 बजे तक चलती हैं आज नहीं चलेगी। धन्यवाद।